देखिए, ये तो लालच है और बीजेपी ऐसे कहीं लालच देती है, लेकिन उनके ही हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है, मैं कभी भविष्यवाणी नहीं कर लागल्यानंतर मग आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू, आता नाही। सर, जिस तरीके से बिहार के इलेक्शन है, वहां पर किया गया बीजेपी की तरफ से कि वैक्सीन उन्होंने कहा कि फ्री में दिया जाएगा जनता को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, ये तो लालच है और बीजेपी ऐसे कहीं लालच देती है, लेकिन उनके ही हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि वैक्सीन जो है 2021 के पहले आएगी नहीं, तो इसलिए लोगों को उनका जो गुमराह करने की राजनीति है वो सामने आ चुकी है। अच्छा सर, यहाँ की जो गठबंधन की सरकार है, आपको लगता है कि पूरे 5 साल ये टिकेगी या कहीं ना कहीं ये दम तोड़? मैं कभी भविष्यवाणी नहीं कर रहा। गवर्नमेंट चल रही है उसके बारे में आपका क्या है? समाधान ही नहीं है, इसे कहूँ, इतना ही कहूँगा। अच्छा, कल खड़से ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, मैं क्या लग, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं कमेंट करता हूँ, हर व्यक्ति को अपनी राजनीति। पद्मिनी कोल्हापुरे की तरफ से औरंगाबाद अपडेट्स को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश बेदी और मेरी तरफ से औरंगाबाद अपडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं और अच्छे अच्छे काम करते रहने उसके मेरी बेस्ट विशेस। औरंगाबाद के सारे न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद अपडेट्स।